ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? परफेक्ट मिस्टर जय, तुम्हें सेलेक्ट ना करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। वैसे हम रिजल्ट्स की वजह नहीं बताते, बट वी वांटेड टू टेल यू, तुमसे ज्यादा उम्र के एक दूसरे कैंडिडेट को हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो तुम्हारा सिलेक्शन इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोका जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक जय। कोई बात नहीं, टीचर के तौर पर मैं जितना कमा सकता था मैंने कमाया है, एक छोटा मोटा बिजनेस भी डाल दिया है, उससे गुजर बसर हो जाएगा। लड़की के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया है, उसकी शादी के लिए वो काफी है। अब ये ठीक है, इसे बेचा जा सकता है। इस पैसे से तुम अपना पापा, मुझे बुरा समझ लीजिए या जिद्दी समझ लीजिए, आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे नाकारा मत समझिए, मैं पहले से बहुत दुखी हूं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, एक रास्ता बंद हो तो उसके लिए दुखी नहीं हुआ जाता, नए रास्ते की तलाश की जाती है। आई थिंक बिगर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू इन लाइफ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। थैंक यू सर। जैसा तुमने कहा था, योगी ने किसी नॉर्मल सी जगह पर रहने का इंतजाम किया है। उसने 5 लोग ऐसे ढूंढे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनकी फैमिली डिटेल्स हमारे पास हैं। अगर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी फैमिली की गर्दन हमारे हाथ में होगी। KN357LJ546 वेपन्स के साथ GoPro कैमरास अरेंज कराओ। या आई विल टेक केयर। तो ये है DRDO का वो सिक्योरिटी सेटअप। इसके अंदर जाने के लिए या तो हमें एम्प्लॉय होना होगा या फिर डिफेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल विजिटर। प्लान ए, हम में से कोई ऑफिशियल विजिटर बन के जाएगा। अंदर कहीं भी जाने के लिए वी नीड एन ऑल एक्सेस पास, और उस पास पर डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टैंप होना चाहिए। हमें कोई स्टैंप एक्सपर्ट ढूंढना होगा। इसमें कोई रेगुलर एक्सपर्ट नहीं चलेगा, क्योंकि 1950 में आइवरी हैंडल की लेदर स्टैंप होती थी, इट्स वेरी यूनिक। उसके बाद हर जगह रबर स्टैंप यूज होने लगा, पर इंपॉर्टेंट पेपर पर अब भी यही यूज होता है। इस स्टैंप को बनाने वाला एक आदमी रिटायर होकर अपनी दुकान खोल चुका है। योगी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आदमी यही चार मीनार के पास है, उससे बात करते हैं। सोमवार की सुबह वहां काफी भीड़ होगी, तभी उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे ट्राई करो। ओके सर। तुम दोनों इसे फॉलो करना। ओके सर। तुम एक सेल फोन लो। ओके। उसमें प्रीपेड सिम डाल। एक बार पास मिल जाए तो ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फॉलो कर रही हो? पहले मैंने बोला था। भार्गवी। जय। मैंने पूछा क्या? पेंटर हूँ मैं। क्या हुआ? तुम कुछ नहीं करते? ओह, तो निकम्मे हो। कुछ तो बोलो। मैरिड हो? हाँ? I'm not looking young. How could you say that? ओह, मतलब बॉयफ्रेंड होगा ही? प्यार का चक्कर है? तो एक्सपीरियंस तो किया ही होगा? हाँ? अरे वही, किसी के साथ भी बारिश में बाइक पर घूमना। अब से हम यही मिला करेंगे। रियली?
How romantic. मैं तुम्हें अपने परिवार से तब तक नहीं मिलवाना चाहता जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं हो जाती. How boring. मैं बोरिंग हूँ तो चली जाऊँ यहाँ से. वो जय है ना, वो दाढ़ी वाला जी, गोल्ड मेडलिस्ट है वो. वो तुम्हारी लड़की के लिए सूट करता है. हाँ, हाँ, हाँ. मैं जानता हूँ उसे. वो तो ठीक है सर, लेकिन उसकी फोटो भेज देते तो. अरे मुझ पर भरोसा रखो. हाँ, 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 हाँ. इतनी जल्दी मत जाओ. फ्रेंच क्लास खत्म हो गई है मेरी ना, तो मुझे घर जाना है. कौन सी फ्रेंच क्लास? तुमसे मिलने के लिए मैं फ्रेंच क्लास का बहाना करके आती हूँ. हाँ दादाजी. बेटा कहिए ना. तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है, शाम के लिए बोल दूं क्या? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, मैं भी आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ. मैं कल दुकान पे आता हूँ. ठीक है, कल मिलते हैं. बाय. जय भारत स्टैम्प शॉप. जरा सुनिए, ये स्टैम्प बनाना है. ये तो सरकारी स्टैम्प है. मैं पुलिस में हूँ. स्टेट की पुलिस का सेना से क्या लेना? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है. मैं नहीं बनाऊंगा. ए सुन, पैसा दूंगा तो कोई भी बना देगा. ए ए ए, अरे सुनो, ये गवर्नमेंट का कोई स्टैम्प बनवाना चाहता है, ये कोई धोखेबाज है. मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता. क्यों छोड़ दो? क्या करके भाग रहा है? मैं कुछ नहीं जानता. क्या किया तुमने? छोड़ दो मुझको, मैं कुछ नहीं जानता. जब मैंने इसे मना किया तो इसने धमकी दी कि किसी और से बनवा लेगा. किसके लिए बनवा रहा था? अपने सर के लिए बनवा रहा था. उसका नंबर दे. बता. 9912526277. ये रॉन्ग नंबर है. रॉन्ग नंबर बता था. सही नंबर बता. बता किसने भेजा है? बता था कि तू. और किसने भेजा? छोड़ दीजिए. और क्या हुआ? इसने एक आदमी को उड़ाया सर, और अब नाटक कर रहा है. ये कुकर नहीं है. पता नहीं वो आदमी जिंदा बचा होगा या नहीं. तुम्हारा नाम क्या है? जय. FIR करोगे? लिखाऊंगा सर. तुम्हारे हांगकांग वाले अकाउंट में दुबई से दिरहम ट्रांसफर कर दिया है. काम कितना आगे बढ़ा ये बताओ. डीलर जानना चाहता है. एक बार पास मिल जाए तो हमारे आदमी DRDO में घुस जाएंगे. वहां से काम शुरू हो जाएगा. ओके. अपना स्काइप अकाउंट डिलीट करो.
अगले कॉल के लिए मैं नया आईपी एड्रेस भेज दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे। दोस्त, वाहिद को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिक्र मत करो, प्लान बी शुरू करते हैं। चार मीनार के पास एक सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। वो सच में गूंगा नहीं हो सकता, पक्का। उसने जानबूझकर उस आदमी को उड़ाया, और देखो अब तो उसकी बेल भी हो गई। कानून की इसी भलाई का लोग फायदा उठाते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो तुमने ही मेरे आदमी को पुलिस से पकड़वाया था ना? दरवाजा खोलो। दादाजी बता रहे थे कि वो कल कोई सरकारी स्टैंप बनवाने के लिए आया था। तो तू स्टैंप नहीं बनाएगा। कौन सा? डीआरडीओ का स्टैंप। कह चुका हूँ नहीं बनाऊंगा। चल बैठ। बनाएगा या नहीं? नहीं बनाऊंगा। बनाएगा तो मार डालूंगा। मैंने कहा ना नहीं। जल्दी बना। बना। बना बुलाना। पुलिस स्टेशन जाकर पता करता हूँ इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। दादाजी के बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं। कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए इतने फोन किए होंगे। मैं जाकर देखकर आता हूँ। दादाजी, दादाजी, हाँ, दादाजी, दरवाजा खोलिए ना। डिफेंस मिनिस्ट्री की ऐसी मोहर है जो आपको डीआरडीओ में कहीं भी जाने की इजाजत देती है। उसके लिए सरकार को बाहर से मोहर बनवाने की क्या जरूरत है? वो जरूर किसी खास मकसद से ये मोहर बनवाना चाहता था। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत हो तो मेरा तुम्हारा सब एक तरफ छोड़कर इसमें कूद पड़ो। दादाजी ने अपनी जान दे दी लेकिन उन्हें उस स्टैंप को नहीं दिया। वो लोग उस स्टैंप का क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं? पता लगा के ही रहूंगा।